जन्मजात रोग दो प्रकार के होते हैं, उत्पन्न होने के आधार पर जन्मजात रोग और उपार्जित रोग। जन्मजात रोग जो जन्म के साथ ही होते हैं, और ज़्यादातर ये रोग कैसे होते हैं, आनुवंशिक होते हैं। ठीक, अब आज जो हमको देखना है वो है हमारा क्या, जो उपार्जित रोग में दो कैटेगरी थी, बात करी थी हमने ये संक्रामक रोग जो बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में किसी भी वाहक के द्वारा या संपर्क में आने से ये रोग क्या होते हैं, उनमें ट्रांसफर हो जाते हैं और वो व्यक्ति भी संक्रमित हो जाता है। अब दूसरी कैटेगरी क्या है हमारी, असंक्रामक रोग, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से नहीं फैलते हैं। अब इनकी हमें डिटेल देखना है। वैसे तो हमें हर रोग का रोग कारक और लक्षण भी पढ़ना है, लेकिन फिलहाल हमें एक बड़े स्केल पे ये तो मालूम होना चाहिए कि विषाणुओं द्वारा कौन से रोग हो रहे हैं, जीवाणुओं द्वारा कौन से हो रहे हैं, कवकों के द्वारा कौन से हो रहे हैं। ऑब्जेक्टिव में ही आ जाएगा कि सिर्फ रोग का नाम हेपेटाइटिस बी होता है। हम आपसे कारक नहीं पूछ रहे हैं, वो बैक्टीरिया से हो रहा है, वायरस से हो रहा है, कवक से हो रहा है या प्रोटोजोआ से। ये प्रश्न पढ़ाने का मीनिंग ये है आपका, आपको लगेगा कि ये तो सामान्य चीज़ है, ये इसी में अपन पिछड़ जाते हैं कि ऑब्जेक्टिव में ऐसे ही पूछा जाएगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले जो संक्रामक रोग की कैटेगरी में हमको देखना है विषाणु रोग या वायरल डिसीज। विषाणुओं के द्वारा जो रोग होंगे फैलाए जाएंगे वो वायरल डिसीज कहलाएंगे। और एक दो के नाम बताओ, आप लोग बताओ, देखा सबको नहीं लिखा है, जो नहीं लिखा है वो बताओ। हाँ, कोरोना। उसके अलावा देख ही सकते हो आप डेंगू, चिकनगुनिया, पोलियो, चेचक, हेपेटाइटिस बी, एड्स और इन्फ्लुएंजा। हाँ, अभी पूछा था मैंने इन्फ्लुएंजा क्या होता है, जानते हो इन्फ्लुएंजा, सब जानते हो, बस मैंने इसका वैज्ञानिक नाम लिख दिया उसका। सर्दी जुकाम जो होता है, सर्दी जुकाम को डॉक्टरी भाषा में यानी चिकित्सी लैंग्वेज भाषा में क्या कहते हैं, इन्फ्लुएंजा। बायोलॉजी हम पढ़ी इसीलिए रहे हैं, ये जरूरी थोड़ी कि हमारी नौकरी लगे या हम वही करें, हमको कम से कम इनके नाम और ये तो मालूम हो, सही है कि गलत है। ये सारे क्या हो गए, वायरल डिसीज। ठीक, इसके बाद अगला है रिकेट्सियल रोग। ठीक, इसके कैटेगरी में कौन आता है, क्यूजुअल। ठीक, इसके बाद रिकेट्स के बारे में जानते हैं, रिकेट्स क्या होता है, रिकेट्स, रिकेट्स नहीं मालूम, ये इसकी कैटेगरी में रिकेट्स के रोग में क्यों ज्वर और टाइफियस ज्वर, रिकेट्स नहीं मालूम। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स, वो याद दिला रही हूँ मैं। विभिन्न विटामिनों की कमी से रोग देखते हैं अपन, विटामिन ए की कमी से कौन सा हो रहा है, विटामिन बी, विटामिन सी, स्कर्वी। ठीक, और विटामिन डी, अरे ये नहीं, अभी अपन जनरल बात कर रहे हैं रिकेट्स। और विटामिन ई, इनफर्टिलिटी, बंध्यता, प्रजनन क्षमता प्रभावित होती है। ठीक, चलो हम अपने टॉपिक पे लौटते हैं। अब अगला है जीवाणुवी रोग, बैक्टीरियल डिसीज। बैक्टीरिया के कारण कौन कौन से रोग होते हैं, तो टिटेनस, क्लास्ट्रिडियम टिटेनी, इस बैक्टीरिया से होता है। देखेंगे हम हर एक की डिटेल पढ़ना है हमको। फिर एक कॉलरा या इसको कहा जाता है हैजा, कुष्ठ, कोढ़ होती ना बीमारी, जिसमें ये हाथ पैर नहीं के ऊतक क्षय होते जाते हैं, घाव हो जाते हैं। फिर है सिफिलिस, जेनाइटल डिसीज है, अभी हमने पढ़ा है लैंगिक जनित रोगों में। फिर है तपेदिक, ये सारे कौन से रोग हैं, बैक्टीरिया के कारण होने वाले। अब अगला देखिए आप प्रोटोजोआ। ठीक, प्रोटोजोआ के कारण कौन सा होता है, काला ज्वर, अभी भी पेचिस,
तीसरा रोग लिशमानिया के कारण होता है। यदि ये लिशमानिया हमारी बॉडी में चला जाता है तो व्यक्ति को क्या आता है, नींद ही नींद आती है, वो ज़्यादातर समय टाइम में निकलता है सोने में। ठीक, इनमें कोई दिक्कत? मलेरिया का रोग कारक कौन है? जो तो है नाम बताओ ना अंदर का क्या है, कौन सा प्रोटोजोआ जो मच्छर के द्वारा ट्रांसमिट हो रहा है हमारी बॉडी में। कल भी बात करी थी हमने, प्लाज्मोडियम। फिर अगला है फंगल डिसीज, कवक द्वारा होने वाले रोग, जितने भी दांत हाथ खुजली। इसीलिए तो हम कपड़े रोज क्यों बदलते हैं, गीले कपड़े क्यों नहीं पहनते हैं? यदि हम साफ सफाई से नहीं रहेंगे तो हमारे अंदर 100% संभावना है कैसी रहती है, फंगल रोग, फंगल डिजीज उत्पन्न होती है। इसके बाद अगली कैटेगरी है कृमि रोग, छोटे छोटे कीड़े। जानते हो बच्चों के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, उसे क्या होता है, उसे क्या बोले, हमारे अंदर भी हो सकता है। हमारा सारा पोषण क्या ले लेंगे, वो ये परजीवी ले लेंगे, या तो वो एस्केरिस हो सकता है। एस्केरिस की ज़्यादा संख्या हो गई, ये बच्चों के पेट में ये कीड़े होते हैं एस्केरिस, जिसके कारण जो रोग हो रहा है वो होता है एस्केरियोसिस, फाइलेरियासिस। फाइलेरिया नामक कृमि के कारण होता है और इस फाइलेरियासिस का एक और नाम है हाथी पाँव। इसके कारण पैर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है, और इतना जैसे हाथी का होता है कि नहीं बड़ा, वो ऐसा बड़ा हो जाता है। ठीक, बड़ा मतलब बड़ा नहीं होगा, सूजन के कारण बड़ा नजर आएगा। और अगला है टीनियासिस, टीनिया सोलियम, एक वर्म है, केचुए जैसा ही होता है टीनिया सोलियम। वो यदि बॉडी में जाता है, पहले ये कुल मिलाकर कीड़े हैं, छोटे छोटे कृमि, बिल्कुल वैसे तो बहुत बड़े केचुए जैसे कीड़े नहीं है, तो हमारा क्या होगा, बिल्कुल ऐसे ऐसे बारीक रहते हैं, नज़र भी नहीं आते हैं। और इनके जो धूल मिट्टी या किसी कारण से ये हमारे शरीर में या नाखूनों में और इनमें फंस जाते हैं, और अनजाने में ये हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। इस तरीके से ये सारे रोग कौन से हुए, संक्रामक रोग, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं। अब जो अगली कैटेगरी है हमारी कौन सी, असंक्रामक, लिखे हुए हैं नाम। पहला है अल्पता रोग या डिफिशियंसी डिसीज। क्या होती है अल्पता रोग? किसी भी पोषक तत्व की कमी के कारण जो होंगे वो रोग कौन से हो जाएंगे, अल्पता। नाम बताओ, क्वाशियोरकर, प्रोटीन ऊर्जा को पोषण के कारण। नाइन्थ में पढ़कर आए हो आप ये रोगों के नाम, प्रोटीन ऊर्जा को पोषण के कारण कौन से रोग होते हैं, क्वाशियोरकर और मरास्मस। यदि हम प्रॉपरली यदि हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का सेवन नहीं करेंगे तो हमारे अंदर ये रोग हो जाएंगे अल्पता संबंधी। तो क्वाशियोरकर है, मरास्मस है, रिकेट्स है, पेलाग्रा, बेरी बेरी, ये एनीमिया, ये सारे किसी न किसी कमी के कारण हो रहे हैं। एनीमिया क्या होता है, आयरन की कमी के कारण। B12 और फोलिक एसिड लिया जाता है आयरन की कमी को दूर करने के लिए। इसीलिए संतुलित जीवन जियो, संतुलित भोजन करो, तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी। लेकिन आप उस चीज़ से हटते हो तो 100% हमारे अंदर क्या होगा, बीमारियाँ होंगी। ठीक, फिर है क्षय रोग। जनरली टीबी को भी क्षय रोग कहा जाता है, यहाँ पर वो कैटेगरी नहीं है। क्षय रोग का मतलब है कि किसी भी अंग के अंदर क्या होता है, ऊतक धीरे धीरे क्या करते, क्षय होने लगते हैं, काम करना बंद करने लगते। बंद तो नहीं, कम करेंगे, यानी हास हो रहा है, वो अंग छोटा हो रहा है, काम नहीं करेगा प्रॉपर, तो वो रोग क्या कहलाएंगे, क्षय रोग। तो हार्ट डिसीज है,
या एक दो के और नाम लिखे हुए हैं, ब्रेन स्ट्रोक, गठिया, ये सारे किस कैटेगरी में आते हैं? क्षय रोग की कैटेगरी में। इसके बाद एलर्जी। अब एलर्जी का मतलब क्या होता है? जिन पदार्थों के कारण एलर्जी उत्पन्न होती है वो क्या कहलाते हैं? एलर्जी। ये ऑब्जेक्टिव का प्रश्न यही आ गया कि जिन पदार्थों के कारण व्यक्तियों में एलर्जी उत्पन्न होती है क्या कहते हैं? तो आप तो लिख दोगे धूल के कारण, पराग कारण, ये हाँ यही लिखते हैं बच्चे। अब क्या कहलाते हैं वो? एलर्जन। अभी हमने टॉपिक से हटते हुए देखो बच्चे कहाँ तक सोच सकते हैं। अभी हम बायोडाइवर्सिटी की कॉपी चेक करी हमने, तो सत्य असत्य लिखते हैं तो या तो टी या एफ लिखेंगे, ज़्यादा ही दिमाग वाला बच्चा रहा तो। और जनरली आप क्या लिखते हो? सत्य या असत्य। अब वो जो भी बच्चे थे उसने क्या लिखा? मतलब हम भी नहीं सोच सकते कि कोई बच्चा इस लेवल पे जाकर। अब वो तो समझदार रहा, बोला हमने क्या माना? असत्य। और सबको मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें भी सामने आती हैं। चलो अब हम कहाँ पढ़ते हैं? एलर्जी। हाँ एलर्जन, जो पदार्थों के कारण एलर्जी उत्पन्न हो रही है वो एलर्जन कहलाता है। अब अस्थमा एलर्जी के कारण होता है। कई लोगों को धूल से या अभी जैसे ये बोर्ड साफ करो, मेरे को तो नहीं है लेकिन इसकी डस्ट जाती है तो क्या? अभी हम दिवाली की साफ सफाई कर रहे हैं तो या तो कई जने मुंह पे कपड़ा बांध के करते हैं या हमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन थोड़ा सा धूल मिट्टी जाती है तो हमको खांसना या छींकना आने लगता है। तो ये खांसना और छींकना ऐसे ही होता है क्या? प्राकृतिक क्रिया है कि कोई भी बाहरी पदार्थ हमारे श्वसन मार्ग में पहुँच रहा है तो हमारा प्रतिरक्षी तंत्र सक्रिय हो जाता है और उस पदार्थ को अपन क्या करते हैं? बाहर करते हैं। नाक के द्वारा कर रहे हैं तो छींक कर करेंगे और मुंह के द्वारा करेंगे तो खांस कर करेंगे। अब आपका प्रश्न होना चाहिए कि खांसते और छींकते समय खांसी या एक विशेष प्रकार की आवाज़ क्यों आती है? बताओ, कभी सोचा है? आती है क्या? नहीं आती है कि हम बिना आवाज़ के खांसते हैं? बोलो। आती है। तो वो जो बाहरी पदार्थ हमारे यहाँ पर कंठ है उन स्वर तंतुओं से टकराते हुए बाहर निकलता है इसलिए वो आवाज़ उत्पन्न होती है। ठीक है, ये हो गया एलर्जन या एलर्जी। तो ये जो किसी के तो खांसेगा कोई छींकेगा, अब जैसे हमने कोई दवा ली, देखो एलर्जी सबको अलग अलग तरह की, किसी को परफ्यूम से सुगंध से होती है, पराग कणों से हो रही, धूल से हो रही है। हमने कोई दवा ले ली और वो दवा रिएक्शन कर गई तो क्या होता है? हम पड़ जाते हैं सीधे, तो साइड इफेक्ट आता है कुछ ना कुछ, किसी के चकते या किसी के क्या दिखता है। तो ये सब प्रभाव हैं एलर्जी के जो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र के कारण दिखाई देते हैं ताकि हमको पता चल जाता है कि हम यहाँ से हटें हमको इन पदार्थों से क्या है? हानि हो सकती है। ठीक है, तो एलर्जी हमारे शरीर की रक्षात्मक क्रिया है जो प्रतिरक्षी तंत्र के कारण हमें दिखाई देती है जो भी सिम्टम आते हैं। इसके बाद अगला इसके उदाहरण भी तो सुनो, अस्थमा। यही आ गया कि एलर्जी के कारण होने वाले दो रोग लिखिए दो नंबर में, तो क्या हो गया? अस्थमा और हेज वर्ग। ये तो मैंने मेरे याद करने के लिए लिखा, आप लोग नोट करो, अस्थमा और हेज वर्ग। एच ई वाई है फीवर या हिंदी में लिखी हो हेज वर्ग। ठीक, इसके बाद अगली कैटेगरी आती है क्या? कैंसर। क्या होता है कैंसर?
कोशिका विभाजन होता है, नई कोशिकाएं बनती है, पुरानी कोशिकाएं नष्ट हो जाती है, सामान्य हो रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोशिका विभाजन अनियमित हो जाता है। अनियमित होने के कारण क्या होता है, पुरानी कोशिकाएं तो नहीं मर रही, पुरानी कोशिकाएं तो नष्ट नहीं हो रही है, लेकिन नई कोशिकाएं लगातार बनती जा रही है। तो इसके कारण कोशिकाएं क्या है, कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती है। तो जिस अंग में ये अनियमित विभाजन शुरू हो जाएगा, वहां पर कोशिकाओं का एक खोखला गोला अतिवृद्धि नजर आएगी। इसी को हम क्या कहते हैं, अमूर्त गांठ, या उसको कहा जाता है ट्यूमर। जिस भी अंग में होता है उसे उस अंग का ट्यूमर या कैंसर कह दिया जाता है। तो अनियमित कोशिका विभाजन के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है, कैंसर। अब कैंसर भी दो तरह का होगा, एक तो जहाँ उत्पन्न हो रहा है वहीं तक रह जाएगा, और एक कहीं भी उत्पन्न हो वो पूरे शरीर में फैल जाएगा। देखेंगे हम अभी कैंसर के सभी प्रकारों में, ये मेलिगेंट और नॉन मेलिगेंट दो तरह के होते हैं कैंसर। फिलहाल हमारे इस चैप्टर में इतनी ही बात, संक्रामक और असंक्रामक। क्लियर है।